भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया, भारत की विश्व को क्या है देन, इसी विषय पर आज के व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं। परम पूजनीय स्वामी जी, सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं, और वो विषय है दुनिया को भारत की देन, विश्व को भारत की देन। भारत ने अब तक दुनिया को क्या क्या दिया है, भारत के द्वारा दुनिया में क्या क्या आया है, ज्ञान के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, नीतियों के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, व्यवस्थाओं के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है, ऐसे कुछ विषयों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। कई जानकारियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, किसी ने आपको बताया नहीं होगा, चर्चा भी शायद आपके बीच में नहीं हुई होगी। मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आज जो जानकारियां आपको ऐसी लगें कि आपने पहले कभी नहीं सुना या पहले कभी उसके बारे में नहीं जाना, किसी ने आपको उसके बारे में नहीं बताया, तो इन जानकारियों को आप यहां से लौटने के बाद अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि उनका अज्ञान इस माध्यम से हम दूर कर सकें जो भारत स्वाभिमान का माध्यम है। मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूं आज के व्याख्यान में, वो यहां से कि हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई करके निकले, सभी ने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, फिर उच्च कक्षाओं के स्तर पर काफी कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है, बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है, वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा। फिर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश भारत रहा। फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया, भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया। हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि हमारे अध्यापक हमको ये सब पढ़ाते हैं, गुरु हमारे जो आज के वर्तमान में हैं, अब गुरु तो कम हो गए हैं, शिक्षक ज्यादा रह गए हैं, तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वही हमको ये सब पढ़ाते हैं और बताते हैं इस तरीके से कि दिमाग में घुसा देते हैं, फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी, दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, तो थोड़े दिन वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता है। तो भारत के बारे में पिछले कम से कम 250-300 वर्षों से एक झूठ पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि भारत एक गरीब देश, भारत एक पिछड़ा देश, भारत एक अवैज्ञानिक देश, भारत एक ऐसा देश जहां विज्ञान नहीं, जहां तकनीकी नहीं, जहां गणित नहीं, जहां भौतिक शास्त्र नहीं, जहां रसायन शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। भारत एक ऐसा देश जो हर समय दूसरों पर निर्भर, भारत एक ऐसा देश जो हमेशा परावलंबी, भारत एक ऐसा देश जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति में गौरव करने लायक कुछ नहीं, और जो कुछ गौरव करने लायक है वो पाखंड है, जो कुछ गौरव गर्व करने लायक है वो अवैज्ञानिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, उसका कोई तार्किक आधार नहीं। इसी तरह की बातें पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम सब बड़े हुए, और हमारे शिक्षकों को जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आप ये सब हमें क्यों पढ़ाते हैं, तो कहते हैं हमको किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है तो हम तुमको पढ़ाते हैं। तो हमारे शिक्षकों के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ाया है। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा कोफ्त तब होती है कि एक साधारण आदमी भारत के बारे में जब ये कहता है
कि हमारे पास ज्ञान नहीं, हमारे पास तकनीकी नहीं, हमारे पास विज्ञान नहीं, हमारे पास अर्थशास्त्र नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, हम तो हमेशा से पिछड़े गरीब देश हैं, तो सामान्य आदमी की बात को तो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री ये कहने लगे तो दिल को बहुत चोट पहुंचती। हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों के मुंह से मैंने ये सुना कि भारत हमेशा से गरीब देश है, तकनीकी यहां नहीं रही, विज्ञान यहां नहीं रही, शिक्षा यहां नहीं रही, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों की देन है। भारत के बारे में सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्रियों ने बोला है, सपेरों का देश, लुटेरों का देश, अंधेरे का देश, ठगों का देश, डकैतों का देश, इस तरह की बातें सारी दुनिया में भारत के बारे में प्रचारित हुई है, गड़रियों का देश, ऐसे ऐसे बात हमारे देश के बारे में दुनिया के लोगों के सामने आए हैं कि शर्म आती है। कई बार अपना जी करता है कि क्या करें। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा लंदन के ऑक्सफोर्ड हॉल में दिए गए भाषण की याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया जब उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जा रही थी, और उन्होंने यही कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो ना विज्ञान पता था, ना तकनीकी पता थी, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था कोई होती, ना हमारे पास कोई अर्थव्यवस्था होती, ना हमारे पास कोई कृषि व्यवस्था होती, ना हमारे पास डाक्टर विभाग होता, ना रेलवे विभाग होता, वगैरह वगैरह। लंबा भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड में दिया, 40 मिनट तक वो ये गुणगान करते रहे कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए वरदान था, अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम तो आज भी अंधेरे में डूबे हुए रहते। अब ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री का बयान है, वैसा ही बयान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने भी कई बार हमारी संसद में दिया, अपनी संसद में कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कि अगर अंग्रेजों का भारत के साथ संयोग नहीं होता तो भारत तो हमेशा अंधकार और अंधेरों में डूबा हुआ देश ही रहता, इसलिए भारत को विकास कराना है तो अंग्रेजों जैसा बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के रास्ते पे ही चल के उसको ले जाना है। तकरीबन इसी तरह की बातें भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री कहते रहे, शर्म और अफसोस हमारे देश के लोगों को देते रहे। दो या तीन प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रधानमंत्री इसी मानसिकता के रहे इस देश में पिछले 63 वर्षों। एक प्रधानमंत्री थे जिनको भारत की परंपराओं पर बहुत गर्व होता था, संस्कृति सभ्यता पर बहुत गर्व होता था, उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस देश में, जो सामान्य रूप से किसी प्रधानमंत्री के साहस में नहीं होता। फैसला उनका ये था कि अमरीका से लाल रंग का गेहूं आता था भारत में, जिसको अमरीका में जानवर भी नहीं खाते, वो गेहूं हमें खिलाया जाता था। श्री शास्त्री जी ने फैसला लिया कि ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है, क्योंकि अपमानजनक तरीके से आता है और रद्दी है, सबसे खराब है, और वो गेहूं उन्होंने अमेरिका से लेना बंद कर दिया था। उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था और उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया कि हम विदेशों से गेहूं नहीं खाएंगे और नहीं लाएंगे। तो कई लोगों ने उनको समझाया कि शास्त्री जी, अगर ये गेहूं हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो इतना कड़ा बयान उन्होंने दिया था कि हमको भूखे मरना मंजूर है, लेकिन अपमानजनक शर्तों पर घटिया गेहूं खाना मंजूर नहीं। जब ये बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो संसद में भयंकर बहस हुई थी। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गेहूं का आयात उन्होंने बंद किया अमेरिका से, तो संसद में बड़ी बहस हुई थी और कई सांसदों ने शास्त्री जी को ये कहा कि अगर ये अमेरिका और यूरोप के देश न होते तो हम तो कहीं के न रहते। तो शास्त्री जी ने फिर एक कड़ी बात कही थी कि अमेरिका और यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो भारत को दे सके, हमारे पास ही है जो हम उन्हें दे सकते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी। इसी तरह एक और प्रधानमंत्री हुए थे इस देश में, उनका नाम था श्री मुरारजी देसाई। वो भी बहुत भरे हुए थे कूट कूट कर भारतीय संस्कृति सभ्यता की बातों से, और वो कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस ज्ञान को हम दुनिया में स्थापित करने में पीछे रह गए। इसी तरह के एक प्रधानमंत्री और हुए हैं इस देश में, वो बहुत कम समय के लिए रहे, चंद्रशेखर, 4 महीने रहे, लेकिन वो भी ये कहा करते थे कि यूनान की सबसे पुरानी सभ्यताओं से पुरानी सभ्यता हमारी रही है,
यूरोप के पास जो कुछ भी तकनीकी और विज्ञान रहा है उससे पहले हमने वो तकनीकी और विज्ञान हासिल किया है, इसलिए हमें विदेशियों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उनको कुछ दे देंगे, लेने लायक हमारे लिए उनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसी बातें कहने वाले दो तीन प्रधानमंत्रियों को छोड़कर लगभग सभी प्रधानमंत्री इस मानसिकता के हुए कि भारत के पास कभी कुछ नहीं रहा, हमने कभी कुछ दुनिया को दिया नहीं, हमने हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसार कर भीख मांगी है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे तकनीक की हो, जो भी है हम दूसरों से लेकर अपने को आगे बढ़ाते रहे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये भ्रम जितनी जल्दी टूटे इस देश का उतना ही देश के लिए बेहतर है। इस दृष्टि से मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारे इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देंगे, और आज के बाद हम में गर्व होगा ये कहते हुए कि भारत के पास ही सब कुछ है, वो ज्ञान के स्तर पर हो, व्यवस्था के स्तर पर हो, नीतियों के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। मैं शुरुआत करता हूं, भारत ने दुनिया को क्या दिया। सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से, गौरव से, और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले 10-12 वर्षों से, खासकर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया। उनमें से एक वास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि दुनिया को दी है तो वो भारत ने दी है। लिपि आप समझते हैं जिसमें भाषा लिखी जाती है, और भाषा तो आप जानते हैं। तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत ने ही दुनिया को दी है। भाषा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है, और लिपि जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है। लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपि से भी पहले एक लिपि हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण, और वो लिपि ब्राह्मी लिपि रही है। ब्राह्मी लिपि के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है कि ब्राह्मी लिपि उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है। और भारत के पुराने होने के बारे में परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से अभी आपने सुना, 1,96,00,000,000 माने लगभग 2 अरब साल पहले का ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, प्रकृति है जिसमें भारत बसता है, लगभग उतनी ही पुरानी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। अब समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अभी नहीं है। बहुत बहुत थोड़े वैज्ञानिक रहे हैं जो लिपि वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो वो भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हैं। तो ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे पुरानी लिपि है जो दुनिया के देशों को हमने दी, और दुनिया के लिपि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है, क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती थी, भारत ने लिखना सिखाया, क्योंकि लिपि का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ। जब आपके पास लिपि होती है तभी आप लिख सकते हैं, पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है, वो लिपि के प्रभाव से ही होता है। तो सबसे पहली लिपि हमारी, तो सबसे पहले लिखना हमारे यहाँ शुरू हुआ, और वो लिखना फिर हमारे यहाँ से चीन में गया, चीन ने हमसे लिखना सीखा। चीन के जो लिपि वैज्ञानिक हुए हैं जो पिछले हजारों साल का अध्ययन कर रहे हैं वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन के वैज्ञानिक, चीन के ऋषि मुनि भारत आए, उन्होंने लिपियों का अध्ययन किया, अध्ययन करके चीन में वापस गए और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का आविष्कार किया। तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को, और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को। लिपि से लिखना आता है, भाषा से बोलना आता है। भाषा हमारी सबसे पुरानी संस्कृत जो सारी दुनिया में हमने दी है। दुनिया की जो विशिष्ट भाषाएं मानी जाती हैं अंग्रेजी को छोड़कर, जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है, जैसे डच है, जैसे इटालियन है,
जैसे पोर्चुगीज है, जैसे स्पेनिश है, जैसे रशियन है, जैसे डेनिश है, दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है। अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी विशिष्ट भाषाओं में नहीं मानी जाती, अंग्रेजी सामान्य भाषाओं में गिनती होती है, क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है और जो दूसरी भाषाएं हैं वो मूल भाषाएं मानी जाती हैं। तो जो मूल भाषाएं मानी जाती हैं पूरी दुनिया में, जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इटालियन हो, रशियन हो, फिर स्पेनिश हो, पोर्चुगीज हो, ये सभी मूल भाषाओं के मूल वैज्ञानिक जो अध्ययन करते रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली। जर्मनी में तो ये बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन, और जर्मनी के लोग अपने आप को बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आर्य हैं, माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं, हमारे वंशज भारतवासी रहे हैं। जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है ना, उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा, उसका नाम है लुफ्टहंसा। जब लुफ्टहंसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्टहंसा क्या शब्द है, जर्मनी का शब्द है, जर्मन का शब्द है, वो वैज्ञानिक मुझे हैरानी से देखने लगा, कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। मैं पूछा क्या है, तो उसने कहा लुफ्टहंस, उसमें से बना लिया लुफ्टहंसा। लुप्त माने खत्म हो गए, विलीन हो गए, और हंस जानते हैं एक बहुत विशेष किस्म का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता। एक जमाने में सबसे ज्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुफ्टहंसा। हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एयरलाइन चलती है, जिसको लुफ्टहंसा कहते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया। और आज जर्मनी में शिक्षा में, विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और जर्मनी दुनिया का, भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ है। और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परंपरा शुरू की। हमारे जो महर्षि चरक हुए, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का सबसे पहला सिद्धांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई चरक, उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है, उसका नाम ही है चरकोलॉजी। चरक ऋषि के नाम पर चरक लिया और लॉजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का, तो चरकोलॉजी विभाग उनका है, माने चिकित्सा विभाग। जर्मनी की सरकार सबसे ज्यादा भारतीय विद्याओं की जो खोज है उस पर खर्चा कर रही है। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलॉजी, इंडोलॉजी का माने होता है भारतीय विद्याएं। तो भारतीय विद्याओं पर भारत के बाहर सबसे ज्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में। और जर्मन वैज्ञानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पहली भाषा है, इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ज्ञान भी इसी में है, और वो ज्ञान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दुनिया को दी। अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्व की बातें जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत। कंप्यूटर चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं, उनको अंग्रेजी में एल्गोरिथम्स कहते हैं। जो एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी, अंग्रेजी में नहीं बनी। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में कंप्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी एल्गोरिथम, बेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी एल्गोरिथम वो संस्कृत में तैयार हुई है,
और थोड़े दिन में संस्कृत की वो एल्गोरिथम सारी दुनिया पे छा जाने वाली है। सब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कारण जानते हैं क्या? वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्व की हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती। पहली भाषा की जो विशेषता है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है। इतना पक्का है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी ऋषि मुनि ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21वीं शताब्दी में भी उतना ही सच है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं हजारों वर्ष पुराने हैं, और हजारों वर्ष पुराने महर्षि पाणिनि के सूत्रों में एक कॉमा एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती। ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की बाकी सभी भाषाओं में बदलाव होते हैं, समय के साथ बदलाव होते हैं, और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है, लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाषा है जिसका व्याकरण महर्षि पाणिनि से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एकदम पक्का है, और शायद अगले लाखों करोड़ों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा, जिसमें कोई भूल चूक होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है, और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच उसको संस्कृत का आधार दिया। जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन उसको संस्कृत का आधार दिया। आप कभी फ्रेंच भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे संस्कृत होती। संस्कृत में धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है। और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच जर्मन डेनिश और बहुत सारी भाषाओं की गिनती करते करते 56 ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द रूप धातु रूप लगभग संस्कृत जैसे हैं। बहुत मामूली सा अंतर है उनमें, और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया? जब उन लोगों से बात होती है जिन्होंने इस भाषा पे काम किया वो कहते हैं वो जानबूझ के रखा गया। मैं पूछता हूं क्यों, तो वो कहते हैं फिर तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या है, तो हमने जानबूझ के कुछ अंतर छोड़ रखा है, शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खत्म हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक अब स्वीकार करते हैं कि भारत की अकेली विशिष्ट भाषा संस्कृत है जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा भंडार। इतना बड़ा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है जो संस्कृत भाषा के पास। दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं या रशियन कहते हैं या जर्मन कहते हैं या फ्रेंच कहते हैं या डच पोर्चुगीज स्पेनिश कहते हैं जिनको कहा जाता है या चाइनीज कहते हैं, इन सब भाषाओं से हजारों गुना ज्यादा शब्द संस्कृत में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर जब तय किया उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किए गए शब्दों की गणना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के स्तर पर इस्तेमाल हुए हैं और लोगों के बीच में वो आए हैं शास्त्र के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, तो संस्कृत भाषा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविष्य में और होगा 102,78,50,00,000 शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाषा में हो चुका है। 102,78,50,00,000 इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्षि पाणिनि के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है। और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100-200 वर्षों में हो चुका होगा। जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एल्गोरिथम संस्कृत में तैयार हुई है और सामान्य कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 102,78,50,00,000 जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए हैं इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले 100-150-200 वर्षों में। माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक क्षमता नहीं है जो संस्कृत में। और संस्कृत भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं, वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार।
ये 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख तो वो गिनती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द हैं, जो भविष्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अनंत शब्द भंडार, दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं। कोई व्यक्ति अगर लगकर ईमानदारी से 3 वर्ष करे काम, तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा शब्द भंडार उसके कोष में आ सकता है। हमारे परम पूज्य ऋषि महर्षि पाणिनी ने जो लिखा है अष्टाध्यायी, उसको 3 वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है। मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूं संस्कृत के बारे में, जो दुनिया के सारे वैज्ञानिक कहते हैं, वो ये कि सबसे बड़ी बात, सबसे कम शब्दों में कहने की क्षमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में। सबसे बड़ी बात, एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा, अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखें तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हों, एक तिहाई पेज के हों, आधे पेज के हों। संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है और पूरी बात उसमें आ सकती है, एक बात भी उसमें छूटे बिना। तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस भाषा में है कि बड़े से बड़ी बातों को सूत्र रूप में, संक्षेप रूप में कह देने की ताकत इस भाषा में है, जो दूसरी भाषाओं में बहुत कम मिलती है। और ऐसे गुणगान अगर मैं करता रहूं तो पूरा व्याख्यान ही संस्कृत भाषा पे हो जाएगा। इसलिए मैंने संकेत के रूप में आपसे कहा कि दुनिया को सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दी, तो संस्कृत भाषा के रूप में दी और ब्राह्मी लिपि के रूप में दी, और बाद में देवनागरी लिपि सारी दुनिया में स्थापित हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं, सारी दुनिया की भाषाओं का झगड़ा मिटा दें। आपको मालूम है भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़े होते हैं दुनिया में, ये देश उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, भारत में भी झगड़े हो रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, वो इलाका इनका है, वो भाषा के आधार पर। और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाषावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई। तो भाषा के आधार पर दुनिया में बहुत झगड़े हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक मुझे ये कहते रहते हैं कि सारे झगड़े मिट सकते हैं अगर सब भाषाओं की लिपि देवनागरी हो जाए, तो सारी दुनिया की भाषाओं के झगड़े मिट सकते हैं। हमारी भारत में कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, बांग्ला है, आसामी है, मराठी है, गुजराती है, और दुनिया में फ्रेंच है, जर्मन है, डच है, फिर स्पेनिश है, फिर पोर्चुगीज है। ऐसी 20-ओं 50-ओं सैकड़ों भाषाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे झगड़े मिट सकते हैं। एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाषाओं का समावेश कर सके लिखित रूप में। उन्होंने कहा देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपि में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समाविष्ट कर सके अपने आप। इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है, हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है, नेपाली भाषा देवनागरी में, संस्कृत तो लिखी ही जाती है। दुनिया की बहुत सारी भाषाएं और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषाएं अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत, ये क्षमता एक लिपि में है, दुनिया की दूसरी किसी लिपि में नहीं है। इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपि दी है जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, और भाषा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज्यादा समृद्ध ही होगा। जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है। तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में शायद ही किसी भाषा में लिखा गया। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचाकर हम नहीं रख सके पिछले 1000 वर्षों में। हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 1000 वर्षों। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, यहाँ के साहित्य को भी लूटा, क्योंकि ज्ञान उसमें भरा पड़ा। तो हमसे साहित्य की साथ संभाल नहीं हो पाई पिछले 1000 वर्षों में, वो काफी कुछ लूट गया। और कई विदेशी आक्रांता तो ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य को जला दिया।
आपने सुना है तक्षशिला की कहानी, भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था। और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि 6 महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने